बरेली कैंट थाना क्षेत्र के परगवा में दो समुदाय के लोगों में विवाद हो गया। इसमें कावड़ लेकर जा रहे 32 कावड़ियों को मुचलके पर पाबंद किया गया। जिन लोगों को मुचलके पर पाबंद किया गया है, जिनमें नाबालिग बच्चे शामिल हैं, उनका कहना है कि उनका उस विवाद से कोई मतलब नहीं है। वहीं इस मामले में SSP बरेली से शिकायत की गई कि निर्दोष लोगों को मुचलके पर पाबंद किया जा रहा है, लिहाजा मुचलके के आदेश को निरस्त किया जाए। परगवा गांव में कावड़ यात्रा के दौरान विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसमें एक पक्ष के लोगों को मुकदमा लिखकर जेल भेजा गया था। SSP ऑफिस पहुंचे लोगों का कहना है कि उनके गांव के मुस्लिम समुदाय के लोगों से लखौरा गांव के लोगों का विवाद हुआ था, परगवा गांव के किसी भी हिंदू व्यक्तिगत का विवाद नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि हम सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से कावड़ यात्रा के लिए गए थे और शांतिपूर्वक वापस आ गए। शांतिपूर्वक आने जाने को लेकर उन्हें थाने में सम्मानित भी किया गया था, मगर अब हल्का इंचार्ज ने परगवा गांव के 32 कावड़ियों को चलके पर पाबंद किया है। SSP ऑफिस पहुंचे लोगों ने गुहार लगाई है कि हल्का इंचार्ज ने जो थाने में बैठकर मुचलका पाबंदी की रिपोर्ट तैयार की है, वो गलत है। उन लोगों को मुचलके पर पाबंद किया गया है जिन लोगों ने कोई भी फसाद नहीं किया है। लोगों ने मुचलके पर पाबंद करने वाली रिपोर्ट को निरस्त करने की SSP से गुहार लगाई है। अभिषेक सर 16 क्या हुआ आपके साथ? सर जल अभिषेक के लिए गए थे कचला, तो मुचलका में नाम आ गया हमारा। कोई विवाद हुआ था तुम्हारे साथ? विवाद कुछ नहीं हुआ था सर, CO मैम खुद थी साथ हमारे। कौन से थाने का मामला है? थाना कैंट। कहाँ पास है तुम्हारा? फरगमा। अनुराग पटेल। अनुराग पटेल। कितनी उम्र होगी तुम्हारी? 17 साल। कहाँ के रहने वाले हो? फरगमा। क्या हुआ आपके साथ? हम जल भरने गए थे तो उसमें हमारे लिस्ट में नाम आ गया था। कोई विवाद नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं। उसमें मुचलका में हेमंत जी, क्या मामला है, आप कहाँ से आए? सर हम ग्राम परगमा पोस्ट उमरसिया जिला बरेली के रहने वाले हैं। सर हमारे गांव की कांवर यात्रा बिल्कुल शांत तरीके से गई और आई, जिसमें हमारे CO मैडम श्वेता सिंह, थाना कैंट इंस्पेक्टर, पूरी पैरामिलिट्री फोर्स सब मौजूद थी। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। विवाद जो हुआ था वो हमारे गांव के मुस्लिम पक्ष और दूसरे गांव के कांवरियों के बीच हुआ था, ठीक है। तीसरे पक्ष के फिर ये मुचलका हमारे लोगों के भरे गए हैं। लखौरा और परगमा के मुस्लिम पक्ष में, ठीक है। और हमारे तीसरे पक्ष के सर, हमारा जो जत्था था, जितने लोग थे सभी के नाम भर दिए, जिसमें 5 लोग नाबालिग हैं। सर हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप कांवर यात्रा लेके जाइए, हम फूलों से स्वागत करेंगे, लेकिन हमारे कैंट थाना की तरफ से हमारा ऐसे स्वागत किया गया। जैसा कि आपने बताया था, पुलिस के अधिकारियों ने आप लोगों को मेडल भी दिए थे, वो क्या मामला? हाँ, थाने में बुला के सम्मानित भी करा गया था, उसके बावजूद ये हुआ। किस चीज़ का सम्मानित करा था? चक्र लगाया था, कमेटी बनाई थी कि कोई कुछ ऐसा होगा नहीं, दूसरे दोनों समुदाय आपस में मिलके बात करेंगे। अब मेरा सर केवल ये है कि कैंट इंस्पेक्टर जो कार्रवाई कर रहे हैं, वो केवल थाने में बैठ के मुचलका की लिस्ट भरी जा रही है। गांव में जाके सर मुचलका उनके भरे जाते हैं जो क्रिम जैसे झगड़ालू टाइप के होते हैं। और दूसरा मेरा ये कैंट थाना इंस्पेक्टर से कि अगर हमारा यही गुनाह है कि हम कांवर लेने जाएंगे, तो ये कि हमें लिखित में आदेश जारी कर दें कि कांवर लाना गुनाह है, हम कांवर नहीं लाएंगे और बंद कर देंगे। किस किस के आप यहाँ से जी सर 32 लोग हमारे हैं, जिसमें से 5 लोग नाबालिग हैं, बाकी बालिग हैं और सब प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। सर वो ये बताइए, स्कूल जाएं आप तारीख लेंगे? विवाद से हमारे गांव का हम कह रहे हैं कि CO मैडम थी मौजूद, किसी से भी थाना अध्यक्ष खुद बुला के पूछ ले कि कांवरियों के साथ, परगमा के कांवरियों के साथ कोई झाड़ हुआ तो हम गुनहगार हैं। हमारा गुनाह केवल इतना है कि हम कांवर यात्रा लेने गए, 32 लोग हिंदू पक्ष के। सर उन दोनों को पक्ष के होने चाहिए थे, मुस्लिम पक्ष के, उनके भरे गए नहीं भरे गए हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे क्यों भरे गए जब हमारे यहाँ से कोई झगड़ा हुआ ही नहीं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।